हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई देखो, मैं अभी अभी सीधा बुक स्टार्ट कर रहा हूँ ड्राइविंग टेस्ट के साथ। तो आज मैं देने आया हूँ जीवन, बहुत दिनों बाद देने आया, क्योंकि बहुत टाइम लग रहा था कि आज जाऊँगा कल जाऊँगा कल जाऊँगा, पर जा नहीं पाता। आज मैंने सोचा यार मैं चला ही जाता हूँ। सुबह के टाइम 5 बज रहे हो, देखो कैसे खाली खाना सारा एरिया, और मेरे को विशाल भाई अभी छोड़ के गए। मेरे को भूल ही गया था कि व्लॉग बनाना, क्योंकि मैं फटाफट सो के उठा, मेरे को याद नहीं था व्लॉग बनाना है, बट कोई नहीं अब बना रहा हूँ। तो जस्ट मैंने अभी जीवन की मतलब टेस्ट से पढ़ लिया, और मेरे पास एक बुक थी मैंने उससे पढ़ लिया है, बुक मतलब ऑनलाइन बुक थी, तो सब कह रहे थे इसी में टेस्ट आता है इसी में टेस्ट आता है, तो मैं उससे फटाफट पढ़ लिया। थोड़ा बहुत अब पढ़ लूँगा, थोड़े बहुत रूल्स है। जैसा कि मैं बताता हूँ, जीवन के लिए अपना 40 नंबर का टेस्ट होता है, जिसमें से आपको दो टेस्ट होते हैं 20-20 नंबर के, जिसमें से 60 नंबर चाहिए पास होने के लिए, मतलब 8 मार्क्स गलत हो सकते हैं, 32 नंबर चाहिए पास होने के लिए। तो बस अभी बात मेरा सुनो, चुका बहुत ठंडी हवा चल रही है यार, मैं बता नहीं सकता। तो मैं आपको पूरा प्रोसीजर दिखाऊंगा कैसे वो अंदर कैसे टेस्ट वगैरह व्लॉग बना सका सारा कुछ दिखाऊंगा। तो भाई व्लॉग को एंड तक देखना पूरा, आपको मैं एंड में बताऊंगा जैसे कि क्या क्या चाहिए आपको यहाँ ट्रैवलिंग लाइसेंस बनाने के लिए। जैसे कि मेरे को तो G2 के लिए, जिसमें मैं गाड़ी ले सकता हूँ चला सकता हूँ, उसके लिए मेरे को 1 साल का वेट क्यों करना पड़ेगा, और ये गलती आप ना करें इंडिया से आते हुए। तो मैं आपको सारा कुछ बताऊँगा। तो भाई मेरी हालत सिस्टम टाइट हो चुकी है यहाँ पे खड़े खड़े, मैं तो जा रहा हूँ यहाँ पे पास में टीम होटल है, 1-2 घंटा बैठूंगा, 1 घंटा तो कम से कम बैठूंगा, 6:30 आ जाऊँगा, 7 बजे खुलता है, चाहे लेट हो जाऊँगा थोड़ा, मेरे आगे बंदे आ जाएंगे, बट भाई मेरे से यहाँ उठ नहीं खड़ा जाएगा, मेरे हाथ सुन हो चुके हैं, अभी 1.5 घंटा खड़ा होना है, और हाथ तो बुरी हालत हो गई। अभी जो मैंने ब्लॉग बनाया ना, अभी आप कहीं स्टार्टिंग करी मेरे ब्लॉग की, उसमें उसका हाथ में ऐसा लग रहा है अभी दर्द, लेकिन हथौड़ा मारते हैं क्योंकि बहुत ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे। तो बाकी मैं अभी टीम होटल जाता हूँ, वहाँ बैठता हूँ, आपको सारा बताता हूँ क्या कैसे कैसे जीवन का सारा सिस्टम है। तो बस आपको दिखाता हूँ, बने रहना व्लॉग में एंड तक। टीम होटल्स आ गया, बस दुआ करता हूँ ये टीम होटल्स खुला हो, नहीं तो मेरी बैंड बच जाएगी, क्योंकि ये था कुछ 600-700 मीटर दूर था वॉकिंग पे, और फिर वापस जाना पड़ेगा। बस ये दुआ कर रहा है खुला हो, नहीं देखने बंद पड़ा शायद लगेगा, देखो फिर वापस जाना पड़ेगा यार, देखता हूँ मैं। ये वेंडीज है, वेंडीज में जान सकते हैं, यहाँ चिकन मिलता है और चिकन मैं खाता नहीं हूँ यार, यहाँ पर यही दिक्कत है, बहुत सारे रेस्टोरेंट चिकन वाले हैं, और हम जैसे गरीबों के लिए जो वेज है उनके लिए कुछ भी नहीं है, बहुत ही कम अवेलेबिलिटीज हैं। चलो देखता हूँ मैं इसका मेन इंटरफेस है, और अंदर घुसता हूँ। पहले उतारते हैं मास्क, और वैसे भी जैसे कि आपको पता है ओंटारियो में रूल लागू हो चुका है, मास्क पहनने की जरूरत नहीं है इंडोर में, बस पब्लिकली डालने की जरूरत है, जो कि बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि मास्क ने एक तरह से बुरी हालत हो चुकी थी। और यहाँ से थोड़ी मेरे को गर्मी से लेके, बाहर तो बहुत ज़्यादा ठंडा है, तो यही होता है यहाँ पे, यहाँ के जो हीटर्स हैं ना वो इस हिसाब से चलते हैं, जितनी बार ठंड ना उस हिसाब से अंदर गर्मी होगी, तो एक बढ़िया सिस्टम है। और एक और बात है टीम होटल्स की, यहाँ पे आप जितनी मर्जी देर बैठ सकते हो, सारा दिन बैठ जाओ, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी मैं चाहे सो भी जाऊँ ना आराम से रात को 8-9 बजे उठे, इन्हें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये बढ़िया बात लगती है मुझे टीम होटल्स की। तो बस यहाँ पर 1 घंटा वेट करता हूँ, साथ साथ मैं थोड़ा बहुत जीवन का पढ़ूंगा, मैं साथ साथ ना ये देखो ऐप चला दी मैंने साइड में, ये ऐप इंस्टॉल कर लेना जब आप यहाँ जीवन टेस्ट देने जाओ, उससे पहले ना इस पर प्रैक्टिस कर लेना बढ़िया, मेनली मोस्ट ऑफ द 80% एग्ज़ाम सेम आएगा बिल्कुल जैसा इसमें आता है, बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा है, और मेरे को लग रहा है मैं आपको बाकी पक्का रिव्यू मैं अभी दे नहीं सकता, मैं पक्का रिव्यू आपको पूरा उसके बाद ही दूंगा जब मैं आपको एग्ज़ाम दे लूँगा। तो अभी जैसे मैं बताता हूँ जीवन टेस्ट का क्या सिस्टम है, यहाँ पे 3 तरह के टेस्ट होते हैं, जीवन, G2 और G। तो अभी जीवन होता है जैसे कि सबसे पहले स्टार्टिंग, तो अगर आपके पास जैसे इंडिया में नहीं होता, आपका होता है कौन सा लाइसेंस होता है, लर्निंग लाइसेंस होता है, तो एक तरह से लर्निंग लाइसेंस है, ठीक है, पर इस पर आप गाड़ी नहीं चला सकते, इस पर ये जैसे आपका रूल्स एंड रेगुलेशन का टेस्ट होता है, जो कि आपको पढ़ के जानी पड़ती है। जब आप रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़ लेते हो, ठीक है, जीवन दे लेते हो, जीवन में पास हो जाते हो ना, तो अगर आपके पास इंडिया में एक्सपीरियंस है 1 या 2 साल का, तो आपको अभी 7 के बाद जब जीवन आप भर रहे हो ना, आपको ऐड कराना पड़ेगा, अगर ऐड करा लेते हो तो आप 7 के बाद G2 के लिए एलिजिबल हो सकते हो। G2 का ये सिस्टम है, आपको ड्राइविंग टेस्ट देना पड़ेगा जैसे इंडिया में होता है,
यहाँ पे अलग अलग यू टर्न्स वगैरह मंगाएंगे, आपको पहले उस ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, वो अलग बात है। पर अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है इंडिया में, तो आप मेरा वाला हाल है, जैसे मेरे पास नहीं है, तो मेरे को अब क्या करना पड़ेगा, पासपोर्ट लेके जाना पड़ेगा, G2 G1 बनवाना पड़ेगा और एक साल वेट करना पड़ेगा। एक साल मुझे वेट करना है, अगर मैं 8 महीने वेट कर, एक साल वेट करना पड़ेगा। तो अगर मैं इनकी दी हुई मतलब किसी एजेंसी या कोई इनकी दी हुई कोई कंपनी अगर उससे मैं ड्राइविंग सीखता हूँ, ड्राइविंग टेस्ट की ट्रेनिंग लेता हूँ, तो मेरे को सिर्फ 8 महीने वेट करना पड़ेगा, जो कि होगा $160 या $200 के लिए। और अगर मेरे को लीगली मतलब ऐसे ही चल रहा है, उसके लिए मुझे पूरा एक साल वेट करना होगा। जैसे मेरा आज बना है ना, आज 12 मार्च को मेरा आज लाइसेंस बना, तो मुझे अगले 12 मार्च 2023 को ही जाके एलिजिबल होऊंगा मैं G2 देने के लिए। तो कुछ ही सिस्टम है यहाँ पे, और इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर आप इंडिया से आओ, तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो बताने जा रहा हूँ, याद रखना, ये इंडिया से आते हुए अपना अगर वास्तव लाइसेंस है, उसका एक साल का एक्सपीरियंस है, उसका एक्सट्रैक्ट बनवा के आना। कोई भी लेवल पर चले जाना, वो एक्सट्रैक्ट बना के दे देगा, वो यहाँ के दिखाना पड़ेगा। और याद रखना, फेक एक्सपीरियंस कभी मत लेके आना। मैं आपको कहानी बताता हूँ, मेरे फ्रेंड का फ्रेंड था, वो फेक एक्सपीरियंस लेके गया था। पहली बार उन्होंने उसको वार्निंग दी कि भाई ये तेरा फेक है, नहीं चलेगा, बट उसने नहीं सुनी, वो उठ के दूसरी उसमें चला गया ड्राइविंग टेस्ट एजेंसी में। आगे उन्होंने उसको 2 साल के लिए बैन कर दिया। तो फेक तो भाई बिल्कुल मत बनवाना, अगर लीगली 1 साल का है तो ले आओ, कोई बात नहीं। नहीं है तो भाई 1 साल वेट कर लेना, जैसे कि मैं करूँगा। मैं 8 महीने का सोच रहा हूँ, मैं उनकी एजेंसी से ले लूँगा भाई। तो बस यही था, अभी मैं आपको पूरा टेस्ट का बताऊँगा, टेस्ट का क्या सिस्टम है, क्योंकि मेरे को भी कुछ नहीं पता, मैं भी आपकी तरह का अनजान हूँ, ठीक है। तो अब जैसे जैसे मैं सीख रहा हूँ, मैं आपको बताऊँगा, तो अंदर जाके क्या हुआ, कैसे हुआ, मैं वीडियो बना सका, सब दिखाऊँगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तो बस थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको भी, तो व्लॉग को भाई एंड तक देखना, क्या पता कुछ इंपॉर्टेंट हो, तो गारंटी है जीवन को लेके इंपॉर्टेंट होगा, जीवन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो जरूर देखना। नवा कवर लेके आया था, कैसा लगा बताना कमेंट बॉक्स में, ये एयरपोर्ट्स का। तो बस मैं गाने वगैरह सुनूंगा, थोड़ा जीवन के प्रेडे करूंगा, और फिर मस्त चिल से जीवन देखे आऊंगा। पहली बार पास करके भी आऊंगा। सो टाइम हो चुका है, बाहर तो दिन चढ़ गया और मैं अभी तक सो रहा हूँ, तो मैं चलता हूँ जीवन देने में, लेट हो जाऊँगा। टाइम देख पाए 6:35 हो गया भाई, और मैं अभी तक सो ही रहा हूँ। चलो भाई चलते हैं बाहर, दिन चढ़ गया तो मैं दिन दिखाता हूँ, ठंड से बच कर रहे हैं। मुझे ये नहीं पता कितनी लाइन लगी होगी, जब मैं आता मैं फर्स्ट था, मुझे लगा लेट हो गया, लाइन लगी ना भाई, पंगा पड़ जाएगा, क्योंकि आज वीकेंड है बहुत लोग आते हैं। क्या हो रहा भाई इसको, लाइन ना लगी हो, 2-3 बंदे चलेंगे, ज़्यादा लाइन ना लगी हो। तो देखो भाई दिन चढ़ गया, थोड़ी थोड़ी स्नो पड़ रही है, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी, लाइक 5% स्नो पड़ रही है। सो गाइस आई एम आउट ऑफ टिम हॉर्टन्स, नाउ इट्स टाइम टू गो टू ड्राइविंग टेस्ट। देखते हैं मज़ा कितनी लाइन है, और फिर अगर लाइन नहीं लगी तो मैं ही खड़ा रहूँगा, मैं आधा 1 घंटा जितने घंटा, मतलब मेरे ख्याल 7 बजे खुल जाता, 7 बजे कह रहे थे, वीकेंड्स में पता नहीं कितने बजे खुलता होगा। टोपी ले लेता हूँ, थोड़ी थोड़ी सी ठंड कम हुई है, थोड़ी सी, बाकी सुबह तो मैं बता नहीं सकता कितनी ठंड थी। चलो फिर चलते हैं। तो भाई देखो, जैसे कि मैं पहुँच चुका हूँ, सामने मेरा ड्राइविंग लाइसेंस दिख गए होंगे, 4-5 बंदे दिख गए मुझे, कोई बात नहीं, 4-5 बंदे कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं जब 5 बजे जाकर बैठा था, मैं अकेला ही था यहाँ पे, तो कोई नहीं, 4 मिनट वेट कर लेंगे, क्या पता बातचीत हो, तो अच्छा मेरा टाइम पास होता है। चलो बोर क्या लाइन में लगते हैं, और वेट इतना पढ़ भी लेता हूँ खड़े खड़े जीवन का थोड़ा बहुत। ये देखो ये उसकी लाइन, पहले मैं गलत उसमें घुस गया था, गलत लाइन में खड़ा होगा, तो वो ड्राइव टेस्ट की लाइन थी, पर ये ऐसी लाइन है यार, कैसे 1 घंटे में इतने बंदे आ गए, जब मैं था यहाँ पे कोई नहीं था लगभग, बट अब देखो 7:17 हो चुकी है, और अभी पता चल रहा, मैंने पूछा इनसे 8:30 खुलेगा, सैटरडे संडे को 8:30 खुलता है, तो अभी 1 घंटा और है, मतलब यहाँ खड़ा रहना है। -60 डिग्री हो चुकी है, सबकी हालत टाइट हो चुकी है, यहाँ पे कहीं खड़े नहीं हो सकते, इतनी ठंड में मेरे पैर सुन हो चुके हैं, देखो कसम से कहा मेरे पैर सुन हो चुके हैं बिल्कुल, बट अब क्या कर सकते हैं, पूरा रिस्क लेना ही पड़ेगा। यहाँ से गया तो बहुत लंबी लाइन है, फिर मेरे को अगर मैं थोड़ी देर बाद भी आता हूँ तो भाई कहीं जाके 200-300 बंदा आ गया होगा मेरे, तो मैं बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकता,
गलती कर दी मैंने, टीम मॉडल जाके सबसे पहला नंबर मेरा होता, बट अब कोई बात नहीं, अब बीच में किसमें नंबर है कोई बात नहीं, बस वेट करते हैं। माता रानी की लाइन चल चुकी है जी, आगे एंटर करने वाले हैं, भगवान की दया से शुक्र है भाई, ये तो यहाँ तक तो ये देखो सब सुनो हो रहा, सब से एक नंबर पूरी, क्योंकि बहुत माइनस एट चल रहा है यहाँ पे, मेरा तो प्यार नहीं होता, मेरे को पता नहीं रोक देंगे यहाँ पे, अब हमें यहाँ आना सुनाना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे ज़्यादा लोग एंटर कर चुके हैं, ज़्यादा से 15 बस खत्म, वेट करना पड़ेगा यहाँ पे। कवर कर रखा है तो मैं बट अभी बस एंटर करने वाले हैं, अभी रुक गया मेरे ख्याल से, मेरे को 9 से वेट आधा घंटा और वेट करने है, तो उनका टेस्ट खत्म होगा फिर हम एंटर करेंगे, तो भाई स्ट्रगल गोज़ ऑन, स्ट्रगल गोज़ ऑन। तो भाई ये पर्ची दे दी हमें और वो कह रहे हैं नंबर का वेट करना, तो क्या क्या प्रोसीजर होता है, अगर मैं अंदर वीडियो नहीं बना सकता तो मैं आपको सारा बाहर आके बताऊँगा, तो बस अभी मैं थोड़ा पढ़ लूँ जीवन का, मेरे को बहुत डर लग रहा है भाई क्योंकि मैं फेल हो गया, मुझे दोबारा लाइन में लगना पड़ेगा, मैं वो सब नहीं चाहता, तो गाइस प्रे फॉर मी। तो भाई मैं ना इतनी खुशी में बोल ही गया, मैं ब्लॉग बना रहा था, तो भाई मेरा हो गया है G1 क्लियर भाई, बहुत ही गंदी सिचुएशन, मतलब मैं गंदी सिचुएशन है क्या बताऊँ, जैसे 20 क्वेश्चन मिलता है तुम्हें ठीक है, उसमें से तुम 16 सही कर सकते हो, 4 गलत कर सकते हो, तो मेरे साथ पता क्या कारण हुआ, मैं 3 गलत कर चुका था ठीक है, पर मैं भाई लास्ट में मेरे बचे 4 क्वेश्चन, मेरे पास एक मौका था करने का, क्या कहते हैं गलत करने का मौका था, उससे अलावा एक और करता मेरा टेस्ट फेल हुआ था भाई, बुरी हालत होगी मेरी कि भाई मैं कैसे पास होऊंगा यार, कि एक भी गलत हो गया ना, एक गलत करता कोई दिक्कत नहीं थी, फिर बस 3 क्वेश्चन, 3 में से एक भी गलत होता ना ख़त्म थी भाई, ये किस तरह से KBC वाली वो आ गई थी कि लाइफ लाइन एक ही बची है और 7 करोड़ का क्वेश्चन है, तो मतलब टाइम तो 1 घंटे का था ठीक है, बहुत सोचा बहुत सोचा और मतलब डर डर के ना, डर डर गई और सोच के मैंने टिक लगाए, पर आखिर में ना क्लियर हो गया। रूल्स वाला जो होता है ना टेस्ट सबसे हार्ड होता है, जो साइन वाला टेस्ट है ना वो मैंने कसम से कह रहा हूँ 2 मिनट में 20 में से 20 कर दिए, तो साइन बहुत आसान है, बट जो रूल्स वाला क्वेश्चन है ना बैंड बजा रही उसने तो पूरी तरह, बट एंड ऑफ द डे मेरा टेस्ट क्लियर हो चुका है, इस बात की खुशी है, मेरा जीवन बन चुका है भाई, ऊपर से एक और अलग सी बात, उन्होंने मेरे को 6 महीने का एक्सपीरियंस दे दिया है, जबकि ना मेरे पास लाइसेंस था इंडिया वाला, ना मेरे पास था एक्सपीरियंस लेटर, पर उन्होंने कहा कि आपके पास लाइसेंस है, मैंने कहा है बट मैं यहाँ डलवा नहीं रहा, उन्होंने पूछा क्यों नहीं डलवा रहे, मैंने कहा मेरे पास है ही नहीं इंडिया में पड़ा है, एक काम करते हैं हम आपको 1 दिन का एक्सपीरियंस यहाँ का देते हैं, उन्होंने मेरे लाइसेंस की कल की डेट डाली है और कह रहे आपके कल का लाइसेंस है, कल मेरा मान लो कल बना है लाइसेंस, आज नहीं बना, और बस आपको क्या करना है अपना इंडिया वाला लाइसेंस ना मुझे हमें आके एक बार दिखाना है, ताकि हम आपकी 6 महीने का एक्सपीरियंस डाल दें, उसके बाद आपको सिर्फ अगले 6 महीनों में G2 दे सकते हो, नहीं तो मुझे 1 साल वेट करना पड़ता भाई, मतलब सही हो गया एक तरह से मेरे लिए, कैसे बिल्कुल सही हो गया, बस अब मेरा इंडिया का लाइसेंस मंगवाऊंगा, अपने मम्मी को बोला मैंने कि भेज देना किसी के हाथ, बस वो मंगवा के ना, अगर कोई आ रहा भाई मेरे को कमेंट करो प्लीज़, अम्बाला साइड से कोई आ रहा मेरा लाइसेंस लेते हैं ना प्लीज़ भाई, क्योंकि अभी मेरे ख्याल से जानकारी में तो कोई आ नहीं रहा, अगर तुम में से कोई आ रहा प्लीज़ भाई मुझे मैसेज करो, मेरा लाइसेंस ले आओ यार इंडिया से ठीक है, तो बस उनको दिखाना 6 महीना एक्सपीरियंस डल जाएगा, 6 महीना वेट करना कि G2 देंगे, बढ़िया गाड़ी लेनी है, थोड़ा बस में घूमना दिखाना कम, अभी मैं थोड़ा उतरता हूँ फिर आपको सारा समझाता हूँ क्या सिस्टम है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगे, क्या क्या कितना टाइम लगा मेरे को, तो बस मैं बस से उतरता हूँ फिर आपको सारा समझाता हूँ। बस से मैं उतर चुका हूँ, अब आते हैं जो मेन डिटेल्स हैं, मेन डिटेल ये थी, सबसे पहले मैं आपको दिखाया था लाइन में लगना पड़ता है, तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट चीज़ यही रहेगी, आप लोग 6 बजे जाके वहाँ खड़े हो जाओ ठीक है, वीकेंड्स पे जो वीकडेज पे जा रहे हो तो 5 बजे खड़े हो जाओ, क्योंकि लाइन मेरे पीछे भाई 300 बंदा था, आओगे ना अगर 12-1 बजे तो 300 बंदा आगे खड़ा होगा ठीक है, तो बहुत ज़्यादा वेट करना होगा यार, बाल बहुत ख़राब हो रहे हैं, ऐसे सो के उठ के चला गया था मैं ठीक है, तो जैसे ही अंदर गया उन्होंने स्लिप दे दी, उसके बाद बुलाया हमें मेन काउंटर पे, काउंटर पे क्या होता है वो आपसे पूछते हैं आपके पास इंडिया का लाइसेंस है एक्सपीरियंस है, अगर है तो वो डाल देते हैं, मान लो आपके 1 साल का है तो आपका 1 साल का एक्सपीरियंस डाल देंगे, तो आप साथ के साथ जैसे आप टेस्ट दिया कल आप अपने G2 के लिए अप्लाई कर सकते हो ठीक है, पर
मेरे पास कुछ था नहीं, उन्होंने कहा ठीक है तो जी आप ऐसा करना 6 महीने का आपके पास लाइसेंस तो है इंडिया में, हम डाल देते हैं फिर आप 6 महीने यहाँ वेट कर लें जूटो के लिए। मैंने कहा बढ़िया है, ये तो और भी बढ़िया है क्योंकि मेरे को लगा था मेरे को 1 साल वेट करना पड़ेगा, तो बस इतना हुआ। तो अब इंडिया से जब आप आओ ना तो एक चीज़ याद रखना, अगर तो आपके पास एक्सपीरियंस है, ठीक है, अगर तो आपके पास इंडिया का एक्सपीरियंस है तो उसका एक्सट्रैक्ट बनवा के लाना किसी लॉयर से, और इंडिया का लाइसेंस लेके आना, जो मैंने कल तिकरी वो मत करना, ठीक है, क्योंकि लाइसेंस बहुत काम आता है यहाँ पे। क्योंकि जीवन जो मैंने इसलिए बनवाया, अभी जीवन आपका एक तरह से एड्रेस प्रूफ हो गया, वो जगह आपका एड्रेस प्रूफ मांगते हैं तो आपका पासपोर्ट एक्सेप्ट नहीं करते, तो जीवन इसलिए बहुत ही ज़रूरी है यहाँ पे। अगर आपने गाड़ी वगैरह नहीं भी लेनी तो भी आप जीवन ज़रूर बनवाओ, ठीक है। ठंडी हो रही है मेरे बहुत यार, जो मेरी आवाज़ नहीं आ रही ना वो मैं पहले ही बता रहा हूँ, क्या कहते हैं, बहुत विंड चल रही है यहाँ पे क्योंकि गर्मियों के टाइम पे, सर्दियों के टाइम पे सॉरी, तो बहुत ज़्यादा विंड चलती है, तो मतलब और मैं चल भी रहा हूँ इसलिए बहुत कम, मतलब ऐसे आवाज़ ऐसे मेरे आ रहे विंड की आवाज़ आती होगी, ठीक है ये सब छोड़ो मैं थोड़ा ना कवर कर लेता हूँ। हाँ तो बस क्या, फिर उन्होंने मेरे से मांगा, मैंने अंदर टेस्ट दिया, टेस्ट मैंने आपको बता ही दिया टेस्ट में मेरे साथ क्या हुआ। बस जैसे टेस्ट पास हुआ उन्होंने मेरे को टेम्परेरी जीवन बना के दे दिया और कहा जो का परमानेंट जीवन मतलब वो कार्ड जैसा लाइसेंस होता है हमारा वो आपके घर पे आएगा सीधा 90 डेज के अंदर, वैसे तो 1-2 हफ्ते में आ जाता है, 90 डेज लगते नहीं है। बस फिर क्या था मैं खुश, अब बस मुझे इंडिया का लाइसेंस दिखाना है, 6 महीने वेट करना है और फिर क्या G2 बनवा के गाड़ी ले लेनी है यार। सुबह 5 बजे निकला यार, क्या टाइम हो गया रुको, हाँ 12 बज गए, 12:30 हो गए, तो अब जाके थोड़ा सोऊंगा। अभी जाना है मैंने राहुल भाई के साथ, उन्होंने देना G2 का टेस्ट, देख रहे हो मैंने जीवन दिया उन्हें देना G2 का टेस्ट, तो बस दुआ करते हैं उनका भी पास हो जाए, अभी जाके मिलवाते हैं। देखता हूँ मैं ब्लॉग अगर कंटिन्यू करूँगा तो ठीक है, नहीं तो मैं ब्लॉग ख़त्म ही कर दूँगा एक तरह से। चलो चलते हैं। तो ये देखो भाई सिम्बा के साथ आके पढ़ चुके हैं हम, ये सारा दिन ही पढ़े रहते हैं। सिम्बा उधर देखो, म्याऊ, बैठ जा चुपचाप, कितने जाएगा, सिट डाउन सिम्बा, सिट डाउन हियर, भाग जाएगा देना ये देख, इसको कोई और काम नहीं है, यहाँ बैठा रहेगा इस चेयर पे और बाहर देखता रहेगा व्यू सारा, इसको कोई और काम नहीं है यहाँ पे। म्याँ 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 म्याँ। ये देखो अभी मैं आया था ना देखे जीवन क्या कुछ नहीं था, और ये देखो जैसे ही G2 देने जा रहे हैं राहुल भाई, स्नो स्टॉर्म स्टार्ट, जीप एक जीप हमारी गई है टायर डलवाने, वो टायर तुम्हें दिखाएंगे, और एक ये भाई की जीप है, ये देखो इट्स अ स्नो स्टॉर्म स्टार्ट। हाँ जी रेडी फॉर G2? हाँ जी ब्रो, मैंने जीवन दे दिया भाई, आपकी बारी अब क्लियर करने की। चलो बढ़िया, दोनों एक दिन करेंगे क्लियर, एक दिन मतलब एक ही दिन करेंगे। चलो चला करके आ गए, यार हमने रेंट में ली थी गड्डी की, जो विशाल की गड्डी थी, विशाल तो काम पे गया है तो इसलिए हमने रेंट में गई थी गड्डी, पर बेफालतू पैसे लगे, हमें लगा था आगे क्लियर हो तो मौसम कि टेस्ट हो जाएगा, पर वहाँ जाके तो और बुरा हाल था, हमने वीडियो में देख लिया कैसे स्टोन चल रहा था पूरी तरह से, तो ना कोई मैसेज आया,
गलती होगी, चेक भी नहीं करा उन्होंने, टेस्ट आया या नहीं कैंसिल हो गया। चलो कोई नहीं, अगली बार मैंने तो। थैंक यू गाइस व्लॉग को यहाँ तक देखने के लिए, जिन्हें सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना, और अगले व्लॉग देखने के लिए चैनल को नहीं लाइक करके बताना, कमेंट करना कैसे लगे।